ये जो मजहबी तासुब का हद से बढ़ जाना है, मजहबी ख्यालात इस तरह हो जाना कि कोई दूसरे पे उसको नाफिज करने की कोशिश करे, इस रुझान की हौसला शिकनी की उन्होंने पहली बार बाकायदा तौर पर एनलाइटेंड मॉडरेशन पाकिस्तान का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। आज हमें समझ में आती है 15-10-12 साल गुजर जाने के बाद कि उन्होंने बहुत बर वक्त ये इकदाम किया था और उसकी वजह से मामलात आगे बढ़े। हबीब अकरम साहब, परवेज मुशर्रफ साहब चले गए, बहुत सारी यादें छोड़ गए, और इसमें एक चीज़ तो ये है जिसने भी आना है उसने जाना है, वो कुछ भी करे अल्टीमेटली उसको जाना है। फ़र्क इससे पड़ता है कि लोग बाद में उसे किन अल्फाज में याद रखते हैं। अब आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान, जनरल परवेज मुशर्रफ एक ऐसी शख्सियत थे जो कई हवालों से पाकिस्तान के अंदर याद रखे जाएंगे। उनकी डिक्टेटरशिप या दस्तूर शिकनी तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे रुझानात जो जमहूरियत की तकवीत के लिए ज़रूरी होते हैं वो दरअसल उन्हीं के पैदा करते हैं। ये इसे किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कहिए कि पाकिस्तान में पहली बार एक ताकतवर बलदियाती निज़ाम उसी शख्स ने दिया जो बाकायदा तौर पर आवाम को एम्पावर करता था। आज़ाद मीडिया दुनिया में बहुत पहले से एक हकीकत बन चुका था। पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि वो प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स को लाइसेंस दे, और यही जनरल परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने अपने दौर में पहली बार टेलीविजन चैनल्स को लाइसेंस दिए और उन्हें आज़ादाना काम करने का मौका दिया। तीसरी बात है कि पाकिस्तान की सोसाइटी, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इख्तदार संभाला था, आप तो उस वक्त छोटे होंगे, लेकिन हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी इतनी गहरी होती चली जा रही थी कि आपको गुमान ये गुजरता था कि आइंदा कुछ अरसे में, यानी उस वक्त जब 99 में ये एहसास होता था कि आइंदा 2-4-5 साल में शायद पाकिस्तान एक रहने के काबिल मुल्क भी नहीं रहेगा। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने समहाउ अपनी वो उनकी डिप्लोमेटिक मजबूरी थी या जो कुछ भी था, और खुद वैसे जहाँ तक मेरी मालूमात है वो खुद भी काफ़ी रोशन ख्याल आदमी थे, ये उन्हीं की वजह से पाकिस्तानी सियासत के अंदर से और पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर से जो मजहबियत, मजहब नहीं मजहबियत का जो अंसर है, ये जो मजहबी तासुब का हद से बढ़ जाना है, मजहबी ख्यालात इस तरह हो जाना कि कोई दूसरे पे उसको नाफिज करने की कोशिश करे, इस रुझान की हौसला शिकनी की उन्होंने पहली बार बाकायदा तौर पर एनलाइटेंड मॉडरेशन पाकिस्तान का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उस वक्त हम भी उन लोगों में थे जो, चूंकि जनरल परवेज मुशर्रफ एक लेजिटिमेट हुक्मरान नहीं थे तो हम उनकी हर इस्तलाह का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज हमें समझ में आती है 15-10-12 साल गुजर जाने के बाद कि उन्होंने बहुत बर वक्त ये इकदाम किया था और उसकी वजह से मामलात आगे बढ़े। और लास्टली मैं अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ये वाहिद, मतलब ये अपनी नुवियत के एक दिलचस्प डिक्टेटर थे कि इमरान साहब, पूरी दुनिया जब आईटी की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तान अपनी इंफॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर पाबंदियां लगा रहा था, यानी पाकिस्तान के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन उतना तगड़ा नहीं था जितना इसे होना चाहिए था, और जनरल परवेज मुशर्रफ वाज द वन जिसने पहली बार बाकायदा तौर पे इस इंडस्ट्री को खोला। हमें याद है 99 में फोन लगवाना कितना बड़ा अजाब था, और उसके बाद आज घर घर टेलीफोन है और इस तरह की कम्युनिकेशन है कि मैं एक तरफ अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन के जरिए आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन का भी जो मामला है, ये भी दरअसल उन्हीं का क्रेडिट है। डिसक्रेडिट्स जो है वो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल आज के दिन नहीं, उस पर फिर किसी दिन बात की जा सकती है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ में।